रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहाँ रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल। यहाँ मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यहाँ प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे देश से प्यार करने वाले बहुत हैं, पर जो देश के लिए मर मिटे, बात तो उसमें है। और ऐसे एक नहीं, ढेरों परिवार हैं यहाँ। भारत के अंदर समाया एक छोटा भारत, अपना द्वारा घाट। तूने तो बोला था आर्यन सर का राहु है, इन्हें खबरों में लाएगा, लेकिन मुझे तो लगता है थोड़ी देर में हम यहाँ खबर बनने वाले हैं। अब देखना, ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉम्ब होगा। लेफ्ट इन द शॉप सर। नोट, बॉम्ब आएगी तकरीबन 1 किलो, मारक क्षमता 500 मीटर। इसका मतलब? मतलब सब उड़ेंगे। ये ढाबा और अंदर के सारे बंद है। बॉम्ब स्क्वाड की पोजीशन? सिर्फ 10 मिनट सर। नहीं, ये बॉम्ब उससे पहले फट जाएगा। एक, दो, तीन। घाट बहुत ही खूबसूरत जगह है। पता है सर, पर इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती आप अपनी जान पे खेलो। इससे बीता हुआ कुछ बदलने वाला नहीं है। छोड़ शक चाहते सर,
No return. Move, move. हटो हटो, अंदर जाओ बच्चे, अंदर जाओ. Move, सब अंदर जाओ. The mission successful रहा. Bomb has been terminated and zero casualties. Good job, Major. अब तक तो तुम समझ गए होगे कि ये सब हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश थी. Yes, sir. Bomb की location इतनी easy locate होने के बाद ही मुझे शक हो गया था. हमारा शक सही था. ये उसी terrorist group का काम है जिसको तुम बहुत time से track कर रहे हो. मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आ गया है कि तुम उनके भेदी तक पहुंचने वाले हो. इसलिए इन्होंने ये सब किया है. But don't worry. अब हमारे पास उस भेदी की location है, द्वार घाट. ये है तुम्हारे मिशन की नई लोकेशन. ये भेदी यहीं कहीं छुप के बैठा है. तुम्हें इसे ट्रैक करके कैप्चर करना है. हो जाएगा सर. ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है. तुम यहाँ ट्रेनिंग कमांडर बन गया हो. अंडरस्टूड सर. सो दैट किसी को शक ना हो कि तुम्हारा रियल मिशन क्या है. द्वारा घाट. हेलो हेलो कैमरा बाबू, तीसरी आंख इधर देखो, मेरी तरफ. कल ना मेरी चान तेरी शादी के लिए ढोली से लेके डोली तक सब कुछ रेडी कर दिया. अब आप पूछें ये करो ना है कौन? मेरी बेस्ट फ्रेंड. तभी तो उसकी शादी की चिंता मुझे अपनी शादी से ज्यादा लगी रहती थी. खैर ये सब छोड़िए, आज किसी को नहीं छोड़ना है, सबको रिकॉर्ड करना है. आइए मेरे साथ, हम देखते हैं क्या क्या तैयारियां चल रही है, क्या क्या पकवान बन रहे हैं. चले. और खाने का तो पूछ मत. आहा, तड़के लग रहे हैं और पूरियां तो ऐसे फूल रही हैं जैसे फूफा जी का मुंह. यह है बंगाल के रसगुल्ले, हैदराबाद की बिरयानी, साउथ का इडली वड़ा, बनारस की कचौरी और पंजाब के भटूरे. आइए आइए जल्दी आइए, मैं आपको दुल्हन के पापा से मिलाती हूँ. ये है पापा नंबर 1, पापा नंबर 2, 3, 4. अरे वाह, और 5 भी यही है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम दादा. कैसे हो भाई? अजी माफ कीजिएगा, दुल्हन के पिताजी शहीद हो गए ना. ओ देख पुत्र, हम फौजियों में एक उसूल होता है, अगर किसी का बाप शहीद हो जाए तो हम उसे अनाथ नहीं रहने देते. एक बाप की जगह हम पांचों मिलकर रहे हैं अपने लाडों का कल्याण कराने. और दूल्हे का बैंड बजाने. बहुत बढ़िया भैया. अब हम पापाओं को थोड़ा सजने देते हैं. आइए आगे. ये है द्वार घाट की तितली गैंग. ये हर शादी में जाती है दूल्हा ढूंढने अपनी बेटियों के लिए. आजा आजा. ओह किरण आंटी नमस्ते. फिर करा ली ना बेइज्जती तूने. क्यों करते हैं ऐसा हर बार? ना खाना बचाने के लिए. दुल्हन के पापा के बाद अब मिले मेरे पापा से. पापा. हाय बोलिए. नमस्कार. चलो. करुणा मेरी जान, दूर से ग्लो कर रही है तू. बकवास बंद कर यार, एक तो मूड नहीं बन रहा. बेटे अब तेरा मूड हमारे साथ कहाँ बनेगा? चुप कर. मूड नहीं बन रहा मतलब माहौल नहीं जम रहा है यार. ओ माहौल अभी जमा देते हैं. आजा. अरे आराम से आजा. तदमुच यार करुणा बहुत दर्द हो रहा है. एक सेकंड. नहीं यार मैं कैसे डांस करूंगी तेरी शादी में? यार बारात भी आने वाली होगी और ये पेन हो मम्मी. ठीक है ना, एक सेकंड चेक कर लेते. मुझे डॉक्टर की जरूरत है यार, तू प्लीज बुला किसी को.
तो बताना, ओके? ओके ओके गहना, एक सेकंड। पूरे आराम से अच्छा ठीक, एक सेकंड मिल जाओ। वन टू हो गया, छोटी सी मोच है। क्रेप बैंडेज और 20-20 मिनट में बर्फ की सिकाई, आराम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो एक्सरे होगा। ओ नो, घबरा मत गहना, हो सकता है तेरी एड़ी की हड्डी थोड़ी सी डैमेज हो। तुम्हारी कभी कोई हड्डी टूटी है? मेरी नहीं तो। घूरो मत वरना टूट सकती है। पता है कौन है वो? डॉक्टर ज्योति कश्यप, मेरी बेस्ट फ्रेंड और पूरे द्वारघाट की शान है वो। करुणा तू यहाँ। ज्योति वरमाला, हाय, मैं तो भूल गई। I'm so sorry बेटा, तुम्हारे कपड़े खराब हो गए। कोई बात नहीं, कपड़े चेंज करके जाना पड़ेगा। गुलदस्ता फूल भंडार, तहसील रोड द्वाराघाट, कोड नेम नारंगी गेंदा फूल। हाँ करुणा, तेरी ड्रेस एकदम फिट आ गई है, मैंने चेंज कर लिया। मैं यूं गई और यूं आई, ओके? अरे यार मेरी चप्पल कहाँ गई? क्या हुआ ज्योति? बवाल, लोचा, फोपा, सब कुछ एक साथ हो गया। मैं वरमाला लाने ही भूल गई। किसी चोटी ने ना मेरी चप्पल चुरा ली है। कोई बात नहीं, तू मेरी पहन ले। ये ले। अरे फिर आप नंगे पैर? वैसे भी लोग कहते हैं कि कभी कभी गलत पैर की जूती पहन लो ना तो सही मंजिल तक पहुंच जाते हैं। गुड लक होता है। फिर तो आप दे दो वरना करुणा ना जरा दन देगी। मैं आई। अरे अरे शॉल भी लेती हूँ, जा बाहर ठंड होगी। थैंक यू। अरे हाय हाय, सज रही गली तेरी अम्मा, सुनर गोटे में गोटे में रुपेरी गोटे में। हाय हाय मेरे फिल्मी हीरो, हमारी दुआ लेके जाओगे तो आसमान चुमाओगे। शागुन करके जा बाबू, सुबह से भूखे पेट गाला सूखा गले से हम गाना गा रहे हैं। सुनिए, इन्हें छोले खिला देना। हमेशा कुछ रहो। Excuse me, आपको गुलदस्ता फूल भंडार पता है कहाँ है? वरमाला दिखाएंगे? दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम ताजे चुने हुए फूल हैं। नहीं वरमाला में सफेद फूल नहीं चाहिए। गुलदस्ता फूल भंडार। बोलिए सर क्या चाहिए? नारंगी गेंदा फूल वाली वरमाला। जी सर, लीजिए सर। कितना हुआ वरमाला का? नहीं मैडम, मैडम ये सर ले चुके हैं। तो इन्हें दूसरी थमा दो ना, इन्होंने पैसे तो दिए नहीं है। मैं दे रही हूँ, और टोकरी मुझे दो। मेरे 2000, ये फूल मेरे हैं। क्यों? तुम्हारे बाग से आए, माली हो। टोकरी छोड़ो। तुम छोकरी से छीन नहीं पाओगे? देखो मैं भी शराफत से बोल रही हूँ, अगर जोर जबरदस्ती पे आ गई ना तो फिर भी छीन नहीं पाओगी। लेडीज से कैसे बात करते पता नहीं है? लेडीज फर्स्ट होता है। हाँ पता है, टॉयलेट की क्यू में
देखो मिस्टर, तुम जैसों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो तो आज मैं जल्दी में हूँ, वरना ना मैं दिखाती कि मैं कितनी बदतमीज हूँ। बदतमीज तुम हो, छोड़ो इसे, निकल छोड़ो। ये दड़ियल बहुत दड़ियल है, इसे हार नहीं मानेगा। कुछ सोच ज्योति, जल्दी जल्दी कुछ। मुंह से इतनी गंद बकते हो और कपड़े इतने साफ, ये तो सरासर धोखा है ना। रास्ता छोड़ो मेरा, वरना वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ना बोधी, क्या ब्रिगेडियर साहब का बेटा भी आया है? किधर है वो? यार तो सियाचिन की ठंड झेल कर आया है, अब तक तो लत लग गई होगी। नहीं यार, बुरी चीजों की लत नहीं लगती मुझे, बस शराफत अपनी तरफ खींचती है। दिल की सच्चाई, सादगी, वो बहुत खूबसूरत लगती है यार मुझे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, मैं सब सुन रही थी। आपको भी लत लग गई, ये गाना बहुत पसंद है ना, तो हम उस पे साथ में डांस करें। बेटा तुझे लग लगेगी नहीं, पड़ेगी। क्या कर रही है बेटा? तू नहीं गा रही ना, तभी तो संगीत इतना फीका जा रहा है। छोड़ ये तोरण वोरण बनाना, चल चल के गाना गा ले। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मेरा गाना गाने का बिल्कुल मन नहीं है। कभी कभी ना अपने मन को मनाना पड़ता है, अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जो ये मान के बैठे हैं कि आप उनकी खुशी के लिए सब कुछ करोगे। मैं जानती हूँ हम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खोई है, पर अब सब कुछ भुला के मुस्कुराना पड़ेगा ना। फौजियों की औरतें हैं हम बेगम हावी हो सकता है पर हमें हरा नहीं सकता। चल आजा। Sorry, I'm... So, मिली क्या? लेकिन उसके हाथ में वरमाला थी, इसका मतलब वो आस पास ही किसी शादी में गई। ऋषभ पता करो इस शहर में कहाँ कहाँ शादियां हो रही। सैंडल वाली का मिलना जरूरी है। उस वरमाला में पेन ड्राइव है जिसमें उस टेररिस्ट से जुड़ा राज है, और इसलिए उसका मिलना जरूरी है। हमारा दोबारा मिलना भी जरूरी है। वाह जी पुत्र जी, आपने तो महफिल सजा दी। हाँ, सफेद रंग मिसेस बल्ला, बड़ा ही मनहूस होता है ये रंग। हम तो शादी के घर में दुल्हन के आसपास फटकने भी नहीं देते सफेद रंग। हाँ, ये अपशगुन होता है, क्या फायदा इसी मनहूसियत फैलाने का। मॉम प्लीज। तू चुप रह, मैं दुल्हन को देने वाले कपड़ों के बारे में बात कर रही थी। जो आपको फीके लगे, मतलब किसी की आंखों में नहीं चुभेंगे। थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी कहीं इनके रंग भी आपकी लाल भड़कीली साड़ी जैसे होते, तब तो हो जाता, मोहल्ले के सारे सांड भड़क जाते। ज्योति ये क्या तरीका है, उन्होंने तुझे थोड़ी कुछ सुनाया था। और मुझे सुनाया होता तो मैं सह लेती, मगर उन्होंने आपको सुनाने की हिम्मत की, मेरी भाभी को, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे चोर चोर चोर, भाई चोर। बदमाश मवाली, तुम मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गए, पुलिस को बुलाओ जल्दी।
जब तक इसे पुलिस के डंडे नहीं पड़ेंगे ना, ये चोर ऐसे मानेगा नहीं। ज्योति, मैं चला रहा हूँ, कैप्टन वरुण। ज्योति भेव, मैं चला रहा नहीं। कल ही इनकी द्वारा घाट में पोस्टिंग हुई है। सॉरी सर, वो ज्योति को शायद कोई गलत फहमी हुई है। वरुण, इसकी गलती की तू क्यों माफी मांग रहा है? हेलो जी, हेलो, माई सेल्फ मिसेस किरण मेहरा, प्यार से लोग मुझे मिसेस ब्रिगेडियर भी कहते हैं। नाइस टू मीट यू। हाय रब्बा, ऐ की कपड़े कितने गंदे हो गए आपके, कैसे हो गया? जी वो रास्ते में एक जंगली बिल्ली मिल गई थी। बिल्ली नहीं, शेर नहीं होगी वो, बाहर अंधेरा बहुत है ना, तो आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा। हाँ, फौजियों में तो सूबेदारों का इच्छा दिखता है। और जिसके पापा सूबेदार से आगे बढ़ नहीं पाए, एक भाई था मेजर, पर वो भी नहीं रहा। सुना है ड्यूटी पे ही किसी ने गोली मार दी उसे। ज्योति, मैं वरमाला लेके आती हूँ। कल तो यहाँ एक और मेडल लगने वाला है। तो सोच लो, दिल की जगह बढ़ती जा रही है, फिर कहाँ रहोगी तुम? रियली? अब सबका गला एक साथ खराब होने लगा। ये सिग्नल था भाई, आप लव बर्ड्स को उड़ाने के लिए। अच्छा, ज्योति की बच्ची। पापा, जॉन हॉपकिंस की तो टॉप डॉक्टर बनने वाली है, ऐसी चीप हरकतें करती है। पापा, आज ना मेजर साहब को बहुत गुस्सा आया हुआ है, संभल के कहीं गोली ना मार दे। आज तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। सूबेदार बाप का बेटा मेजर बन गया और बिटिया डॉक्टर नहीं बन गई। अब तो मुझे कोई गोली भी मार दे तो कोई गम नहीं। प्लीज यार, आप लोग मरने की बातें बंद करो प्लीज। हाँ हाँ पापा, इसका घाटा हो जाएगा ना, अगर मुझे कुछ हो गया तो राखी पे लूटेगी किसको? पापा सूबेदार से आगे बढ़ ही नहीं पाए, एक भाई था मेजर, पर वो भी नहीं रहा। सुना है ड्यूटी पे ही किसी ने गोली मार दी उसे। ये तो मेजर कपिल कश्यप है। हल्का कर लो ज्योति, कपिल के जाने के बाद आज तुम पहली बार रो रही हो।
इसलिए मैं तुमसे इन आंसुओं को रोकने के लिए नहीं कहूंगी। हाँ, लेकिन बस इतना कहूंगी कि तुम्हारे भैया को तुम्हें इस तरह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। मैं कुछ नहीं कर पाई भाभी, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाई। भाई की इतनी बड़ी कुर्बानी को आज भी लोग ये पत्थरों में खोज रहे हैं। अबा की पहचान आज तक एक सूबेदार की है, एक शहीद के पिता की नहीं। आप आज भी एक विधवा हो, एक शहीद की ब्याहता नहीं। ऐसा क्यों भाभी, ये बड़े लोगों की इतनी छोटी सोच क्यों होती है? ऐसा क्या करो जिससे ये सब कुछ ठीक हो जाए? बुद्धू हो तुम, तुमने कैसे कह दिया कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया? हाँ छोटी, तुम अमेरिका के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बनने जा रही थी, पर तुमने वो भी छोड़ दिया अपने परिवार के लिए। तुम चाहती तो शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा जाती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। एक बेटे की तरह इस घर की जिम्मेदारियां उठाई, बल्कि मैं तो कहूंगी कि एक बेटे से भी बेहतर ढंग से उठाई। तुमने अपनी चुनौतियों को छोड़ के जिम्मेदारियों को चुना है ज्योति, और ऐसा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अरे तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम अपने घर वालों के साथ साथ देश वालों की भी सेवा करती हो, लोगों की जान बचाती हो, सेना में डॉक्टर हो, और इससे ज्यादा कोई क्या करेगा? अब कुछ भी बोलो भाभी, मुझे कुछ नहीं समझता। देखो ना, वो शॉल कपिल भैया ने आपको दिया था, उसका आखिरी गिफ्ट, मैं वो तक खोई। कोई बात नहीं, जो जो चीज मिल जाए ना, उसे खोया बोल के रोया नहीं करते। वो देखो उस तरफ। Finally got it. Yes. सर, एक खुशखबरी है, टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन और कुछ ब्लूप्रिंट्स मिल गए हैं। सर आपको खुशी नहीं हुई? हेलो, कहाँ खोए हैं बॉस? आज मैं उसकी बहन से मिला। किसकी? मेजर कपल की, जिसका खून मेरे सर है। यार सीडीएस वालों, कितना वेट कराओगे? रिजल्ट अपलोड करो ना जल्दी। नहीं कैप्टन, आपको ब्लड थिनर्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, घाव भरने के बाद ही हम शुरू करें। ये शारदा लॉन्ड्री के दाम ना दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे माँ क्या कर रहे हो? चुप करना तू, अगली बार किसी की शादी होगी ना तो सब कॉटन पहनेंगे, ये सिल्क मिल्क ना भूल जाओ। माँ महंगाई सबके लिए बड़ी है, शारदा लॉन्ड्री वाले के लिए भी। अरे सिन्हा जी आइए ना। नमस्कार, आइए बैठिए। नहीं बहन जी, आज बैठने की फुर्सत नहीं है। वो क्या है कि आप लोगों का फोन नहीं मिला था, तो इसलिए मुझे आपके घर तक आना पड़ा एक जरूरी बात बताने के लिए। जी अंकल, बताइए ना। घर के लोन की पिछली 8 इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट नहीं हुई है। इस इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भी अगर नहीं हुई तो बैंक आप पर केस कर देगा और कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। देखा, अब जाओ जेल। मैंने तुझसे कहा था ज्योति कि करुणा की शादी में पैसे लुटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू सुने तब ना। पापा, करुणा की शादी रोज रोज थोड़ी ना होती है, और वैसे भी हम सब फ्रेंड्स मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे थे। कर रहे होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे तूने खर्च किए हैं। यह है ना, इसके दोस्तों को पता भी नहीं कि इसने ऐसा किया, क्योंकि मैडम को एहसान करके जताने की आदत तो है नहीं। अंकल थैंक यू हमें इन्फॉर्म करने के लिए, अगली ड्यू डेट से पहले हम पैसों का बंदोबस्त कर लेंगे। ठीक है। पापा आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर। रास्ते पे ही आने वाले हो तुम लोग,
बड़ा पैसों का इंतजाम करने चले, ऊपर वाले कमरे के बाथरूम का नल पिछले 3 महीने से टपक रहा है, वो ठीक नहीं हुआ अब तक। प्रॉब्लम्स का खाक ठीक होगी। आइडिया, जो अक्सर आपको पापा की डांट खा के आता है क्या? चुप कर। नहीं सीरियसली, क्यों ना हम ऊपर वाले कमरे को रेंट पे चढ़ा दें? वैसे भी वहां कोई नहीं रहता है। कौन कह रहा है वहां कोई नहीं रहता? हाँ, कौन कह रहा है? मेरे कपिल की यादें हैं वहां पर, उसके जीते हुए तमगे, उसकी ट्रॉफीज, उसका सारा सामान, सारी दुनिया है उसकी वहां पर। और तुम किसी ऐरे गहरे को टिकाओगी वहां पर? दिमाग ठीक है तेरा? अरे आप तो नाराज हो गए, बच्ची ने तो बस ऐसी एक बात कही थी और वही चुप गई। मुझे तुम लोगों को और कुछ तो आता नहीं है, बस यही एक काम आता है मेरा दिल दुखाने का। तो ठीक है, एक काम करो। हाँ एक काम करो, ये जो कपिल का जूता है ना जिसे मैं रोज साफ करता हूँ, इसे ले जाकर बेचाओ। उसके सारे कपड़े, सारी ट्रॉफीज, सब कुछ नीलाम कर दो, उसकी यादें मिटा दो, जाओ कमा लो उसकी मौत से। आप क्या बोल रहे हैं जी, कुछ तो सोच के बोलिए। अरे ये बात इसे समझाओ, इस डॉक्टरनी को, इलाज की जरूरत इसे है। हाँ, पापा को मनाना आपका काम है और किरायेदार ढूंढना मेरा। और भाई सिवेश, कहाँ की टिकट कराई है सर ने? सर सर, शनिवार को पूरब दिशा में जाना शुभ नहीं है, दिशा शूल रहता है। दिशा का पता नहीं, लेकिन तुम दोनों की दशा जरूर बिगड़ सकती है अगर अगले 10 सेकंड में तुम लोग यहाँ से लेफ्ट राइट करते हुए नहीं दिखे तो। छोड़ो इसे, कहीं नहीं जा रहा मैं। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? पठानकोट में जो भी हुआ उसके बाद भी आप यहाँ एक छोटी सी जगह पर रहना चाहते हैं, वो भी वहाँ जहाँ वो फैमिली भी है। सर सीओ से ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर लो ना। अरे हम भी आपके साथ चल देंगे, है ना? ऑब्वियसली सर। आप कहे तो सियाचिन चढ़ लेंगे। अरे सर माउंट एवरेस्ट चढ़ लेंगे, पर फीली पहाड़ियों पर, कांटों वाली पहाड़ियों पर चढ़ लेंगे सर। ठीक है, ठेला खरीद लो सर। ठेला? जी ठेला क्यों? मैं बर्फ का गोला बेचोगे ना? सर आप तो कभी मजाक नहीं करता और ना ही अपने किसी मिशन को मजाक में लेता हूँ। हम लोग यहाँ एक इम्पोर्टेंट मिशन पे आए, जिससे हटके कुछ भी करना या सोचना मेले मैदान छोड़ने बराबर है। मेजर आर्यन कोई भगोड़ा नहीं है, इसलिए कान खोल के सुन लो तुम दोनों। जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक ना मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा ना तुम दोनों को जाने दूंगा। Got it? Sir. Sir. Good. अब उस पेन ड्राइव में जो इन्फॉर्मेशन है उस पर रिपोर्ट तैयार करो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, और ये सब वापस रख दो। Sir. Sir. हंस क्यों रहा है? अपने सर भी ना, चलना उनको अपने ही दिमाग से है, लेकिन फिर भी मुझसे ही जबरदस्ती कंप्यूटर चलवाएंगे। और मुझसे ठेला? लेकिन तू ठेला चलाते हुए अच्छा भी लगेगा। मैं बैठूंगा, तू चलाना। फोटो ले गया, फोटो। हाँ हाँ हाँ। वाव वाव, मेजर आर्यन कितना हैंडसम है ना, बिल्कुल जैसे लव एट फर्स्ट साइट वाले लड़के होते हैं, बिल्कुल वैसे है ना। लेकिन लड़कियां तेरे जैसी नहीं होती, जैसी तू है। क्यों मॉम, मुझ में क्या कमी है? वो यही यही कमी है तेरे अंदर। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि तेरी इस कमी का पता सबको चल जाता है। मॉम आप ना मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको पता ही नहीं है मुझे क्या क्या आता है। कुछ नहीं आता तेरे को, ना कढ़ाई, ना बुनाई, ना सिलाई, और पढ़ाई उसमें तो ऐसी तरह चिड़िया उड़ तोता उड़। और बचा क्या है? मॉम मुझे लाइफ एंजॉय करना आता है, मुझे डांस करना आता है, मुझे गाना गाना आता है। हाय रब्बा, सच्ची तुझे गाना गाना आता है? सुना फिर। सुना दे। सुना दे। हाँ। बस इससे ज्यादा राय नहीं है मेरे अंदर, मर गई मैं तो। मर गई? मैं तो कहती हूँ कमाल कर गई तू तो। मैं क्या इतना बड़ा गाना याद कर लिया तूने? है? ये टैलेंट तो है मेरी कुड़ी के अंदर। सच्चे? मैंने बहुत फिल्म में गाना गाया क्या? ओ एक बार भी नहीं। पर तू टेंशन ना ले, वो तेरी ताल से ताल तो मैंने बिठा देनी है उस आर्यन के साथ। कैसे? तुझे म्यूजिक सिखा के। सच्ची? मुच्ची? मुच्ची? मैं म्यूजिक सीखूंगी।
दी दी यार आप सुन नहीं रहे यार, मेरा CDS का रिजल्ट आ गया है। अब बस मुझे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और क्या पता उसको पास करके मैं भी कपिल भैया की तरह मेजर बन जाऊंगा। बिल्कुल बन जाओगे, लेकिन अभी थोड़ा आराम कर लो, इतनी मेहनत करके पास हुए हो, एक ब्रेक तो बनता है। नहीं भाभी, मैं तो एक भी दिन बर्बाद नहीं करूंगा, अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही उसी दिन ज्वाइन कर लूंगा। कम से कम मेरे स्टाइपेंड से घर का खर्चा तो चलेगा। आ हा हा हा, अब मेरे छोटे से शहजादे घर का बोझ उठाएंगे, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों ज्योति? बिल्कुल, इससे कहो पहले आर्मी कट करवाए और अपना सर का बोझ कम करे। घर के बोझ के लिए इसकी डॉक्टरनी दीदी है ना। अरे एक भाभी भी है जो ठीक ठाक गाना गा लेती है, कुछ नहीं तो उसी से काम चल जाएगा। और बाकी का ये किराएदार कर देगा, बस कोई जल्दी से मिल जाए। ऐसे नहीं आएगा, खबर फैलानी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये है, अरे खाला का ठेला जहाँ लगता है खबरों का मेला, यहाँ बोर्ड लगवाने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा खाला की जुबान से होगा। हाय, खाला की जुबान मतलब गप की दुकान। अरे करम जला था वो, करम जला कब आया और लूट के चला गया, पता भी ना चला। तेरे मुँह का भला ना हो, पानी ना मिले उसे। अरे कुछ भी हो खाला, आपकी कचौड़ी तो कमाल की है, माशाल्लाह। वो तो है। हाय खाला, क्या हुआ? चोरी हो गई ज्योति। अभी कुछ देर पहले कमबख्त एक जवान आया था बांका, हट्टा कट्टा फौजी था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मेरा ध्यान हट गया। अरे मेरे मियाँ की दी हुई इतनी अच्छी छड़ी थी, कमबख्त उसे ही चोरी करके ले गया। क्या सच में? कोई इतनी चीप हरकत कैसे कर सकता है? भी फौजी होकर उसने आपकी उम्र नहीं देखी क्या? बेशरम, मुझे सच में इतना गुस्सा आ रहा है ना खाला, अगर वो मेरे सामने आ जाए ना। अभी आ गया, आ गया छड़ी चोर, आ गया। ये तो सच में कमबख्त है। क्यों आप ये सब करने लगे हैं? अभी चोरी चकारी कर रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुन नहीं रहे आप? खाला, वर्दी वाले ना बहुत गुंडे घूम रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से, कभी ये फूलों की लड़ी चुरा लेते हैं तो कभी बूढ़ों की छड़ी। इन्हें ना अपनी दुकान के आसपास फटकने मत दीजिए। ये लीजिए, देखिए और बताइए कुछ अलग लग रहा है? हाँ खाला, देख लीजिए, जरूर तोड़ के लाए होंगे ये। तोड़ के नहीं, जोड़ के लाया है। पहले टूटी हुई थी ना, मानना पड़ेगा, ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है कि पता ही नहीं चल रहा कि कहां से टूटी हुई थी। संभाल के रखना इसे। वो क्या है ना खाला, आजकल बात बात पे भड़कने वाले लोगों को भड़काते हुए फिर रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना, दुकान के आसपास फटकने मत देना। चलता हूँ। अरे सुनो, अल्लाह का करम हो तुम पर, हमेशा खुश रहो। अरे तू क्यों खाली खड़ी है, एक मिनट रुक, ले कचौड़ी खा ले। क्या खाला, पहले बता देना वो टूटी हुई छड़ी लेके गया था। पहले बता देती तो इतनी भीड़ कहाँ से जुटती और मेरी कचौड़ियाँ कहाँ से बिकती, इसीलिए पहले नहीं बताया। आप ना, तू किस लिए आई थी, क्या चाहिए था तुझे? एक किराएदार। रुको, शक्ल दिखाओ, कौन हो? आप यहां? ये दी के साथ कौन है? इसकी तो
तुमने डॉक्टर की डिग्री किसी छोला झाप से ली है क्या? घर में बुजुर्ग है, शोर मचेगा, किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा। हिम्मत कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई? एक तो चोरों की तरह घर में आके मुझे झोला झाप कह रहे हो, और ऐसे मेरे मुंह दबाया अगर मेरी सांस रुक जाती तो? ड्रामा बंद करो, मैं यहाँ बोर्ड देख के आऊँ घर खाली होने का। अरे इंक्वायरी करनी थी तो नॉर्मल इंसान की तरह दिन में आते ना, मेन डोर से बेल बजा के। बजाई थी, खराब है। उत्तरी मेजर आर्यन, आपका दिमाग खराब है, आज ही सुबह बजी थी। मंदिर की होगी। देखिए आप ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, हमारे घर की बेल कभी खराब नहीं होती है। आज है, चेक कर लो। देखिए और कान खोल के सुनिए। सुना, बोलती बंद है इसकी। एक्चुअली तुम भी सीखा करो इसे। आप ना चुप करिए, मैंने सही से प्रेस नहीं किया होगा। यार ये बज क्यों नहीं रही है? खराब कैसे? होता होता, वो क्या है ना, जहां वोल्टेज हाई होता है वहां फ्यूज उड़ ही जाता है। एनीवे अब जब मुझे पता चल गया कि तुम यहाँ रहती हो तो मुझे यहाँ नहीं रहा और इंटरेस्टेड। हेलो, मेरे घर में कूद फांद करके आए हैं आप। इंटरेस्टेड तो बहुत हैं इस घर में, मगर मैं आपको ना कह रही, रिजेक्ट कर रही हूँ, ना कि आप मुझे, आई मीन इस घर को। एक ही बात है। एक बात नहीं है, मेरी बात सही है और आपकी बात गलत। कल से वैसे भी यहाँ पे एक और तख्ती टंगेगी। अखड़ अकड़ू और बेरुखे लोग यहाँ मुंह न दिखाए, बल्कि पतली गली पकड़ के निकल जाए। लो, कैसे बजेगी, इसमें बैटरीज ही नहीं है। इस लड़के को देख के ना मेरा खून खौल जाता है, और मुझे एक खून माफ होता ना तो। मुझे अपने सीक्रेट मिशन के लिए इस घर में किसी भी कीमत पर रहने आना ही होगा। दी, दी, क्या है? दी, यार मैं तो आपको ना बहुत स्मार्ट समझता था, लेकिन अब जान गया आप ना गच्चा खा जाती हो। क्या खा जाती हो? मेरा मतलब है धोखे में अपना ही नुकसान कर जाती हो। क्या हो जाता है आपको मेजर आर्यन के सामने? हाँ चलो, करुणा दी की शादी के टाइम पे आपको नहीं पता था कि वो मेजर है, लेकिन अब तो पता है ना, फिर क्यों उनसे पंगा लेती हो? क्योंकि मुझे दंगे करने का शौक है। खुश जा, बता दे सबको। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और उस मेजर से तो बिल्कुल भी नहीं। घुसपैठिया है वो, तभी तो एक सुंदर जवान लड़की के घर में घुसा। क्या सुंदर? क्या है? फोकस। यू फोकस दी? अरे वो उस आर्मी पलटन का चीफ है जिसे मुझे ज्वाइन करना है। मेरी भर्ती करना न करना उनके हाथ में है। क्या? तो उसकी टीम ज्वाइन करेगा अगर आपकी मेहरबानी रही तो। अब दी मैं जानता हूँ आप लोगों को मुझमें वो कपिल भैया वाली बात नहीं दिखती। आप लोगों को नहीं लगता कि मैं कपिल भैया के जैसे कमाल कर सकता हूँ। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू कमाल नहीं, हमाल करेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तू उस चिरकुट चिंटोले की टीम में गया है। देख लेना उसका बैग ना तू ही पैक कराएगा, उसकी सारी हेकड़ी निकाल देगा तू। बस ग्राउंड पे ऐसे ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देना ना कि होश उड़ जाए उसके। अरे पर... सुनिए जी। हाँ? मैं वो रसोई में थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और भी हो वहां पे। हाँ तो मैं तो कहता ही हूँ कि कपिल यही है हमारे साथ, वो कहीं नहीं गया। पर तुम लोगों की मानती नहीं। मान तो आप नहीं रहे हैं ऊपरी मंजिल को किराए पे देने के लिए। हमें पैसों की सख्त जरूरत है, और किराया आएगा तो आमदनी बढ़ेगी और बच्चों का बोझ भी घटेगा। ज्योति बेचारी अकेले ही पूरे घर का खर्च संभालने के लिए आर्मी हॉस्पिटल में दो दो शिफ्ट कर रही है, और संध्या अलग काम की तलाश में है। चय तो अपनी उस कमाई को घर पे लुटाने के लिए तैयार बैठा है जो अब तक उसे मिली ही नहीं। अरे खाना जानता है तो फिर कमाना भी आना चाहिए ना। अरे मेरी पेंशन खा रहे कि नहीं वो लोग? इतना तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं ना।
अच्छा अब बहस मत करिए, कल से कुछ किराएदार आ रहे हैं कमरा देखने के लिए। आपने सुना मैंने कुछ कहा? तुम लोगों को जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं करूंगा। शौक से करिए, बस हमारी नाक में ना दम मत करिए। ज्योति, इस दीवार पे ना मैं एक बड़ा सा फोटो वॉल बनवाऊंगा जिसमें हमारी पूरी फैमिली की फोटो होगी, और वहां उस दीवार पे मैं लगाऊंगा एक बड़ा सा टीवी, और यहां पर मैं बिछाऊंगा एक बड़ा सा गलीचा ताकि बच्चे जब चाहे खेल सके, तूफान मचा सके। और यहां क्या करोगे? यहां गेस कर, बताओ ना। करना भैया बता दो। अब पापा के लिए आराम कुर्सी। पापा के लिए आराम कुर्सी मतलब सबका जीना हराम। घबराओ मत, हमें कोई ना कोई अच्छा किराएदार जरूर मिल जाएगा। वैसे भी इतनी अच्छी जगह ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहेगी। पापा सही कहते हैं, इस कमरे में कपिल भाई की यादें हैं और हम इसे रेंट पे दे रहे हैं। आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना भाभी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, माना कि कपिल ने अपने परिवार को लेके यहाँ बहुत से सपने देखे थे जो अधूरे ही रह गए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है यहाँ जो भी रहना आएगा ना वो हमारी फैमिली बन जाएगा, जैसे कि कभी मैं इस परिवार में आई और इस परिवार की ही हो गई, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगी। वैसे जैकी कल भर्ती शुरू होने वाली है, तुम्हें क्या लगता है उसे कोई समझा सकता है? जो पापा की डांट से नहीं माना वो किसी और चीज से क्या मानेगा। उसने ठान लिया कि उसे कपिल भाई जैसे बनना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उस पर नजर जरूर रख सकते हैं और मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगी। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी भाभी, आप बस चिल करो, गाना गाओ। हो गया आपका? हाँ जी, आलाप खत्म हो गया जी, अच्छा था ना? ओ जी, आपका टाइम भी खत्म हो गया। इससे पहले कि आपका ये आलाप हमारे विलाप में बदल जाए, आप जाओ, हमें माफ करो आप। फिटे मुंह थोड़ा पेड़ा करके। मामा मेरे गाने का क्या होगा? हाँ पुत्र, टेंशन ना ले, मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ? अरे वही हुआ जो आप लोगों के साथ हुआ। अरे तबले को कटा ढोलक बोलने वाले ये सिपिरे, अरे सुर ताल की किसी को कुछ समझ ही नहीं है, और खास करके वो नक चढ़ी औरत है ना। अच्छा हुआ जो मेरे मुंह नहीं लगी। ओए पेड़ा करके मेरे बरामदे में खड़े होके मेरी बुराई कर रहा है? मला नको पाइजे। खाला जान, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल पाजी, बैनर जी, बस हो गया है और जाओ अब। अरे कालू शेरू मोदी उठू बड़े आए, अपने आप को चोटी का कवैया समझने हैं। पेड़ा करके। ओ एक मिनट ऐर जरा, वो यहाँ क्या कर रही है? अब जी जी, वो मैंने आपका एड देखा था म्यूजिक टीचर के लिए। ओहो, तुम म्यूजिक सिखाती है? खुद सीखा है? जी हाँ, आगरा के घराने से। अच्छा, तुझे ले लिया था उन्होंने? हाँ, तब मैं बहुत छोटी थी। तब भी, वरना अभी जाती तो मना कर देते। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था कि तुम लोग तो वो सुबह सुबह के रियाज व्याज करते हो ना, सुबह 4 बजे उठ के, और तुम जैसे लोगों की आवाज सुननी पड़े सुबह सुबह 4 बजे तो हाय, बुरा मत मानना। वो क्या है ना, मैं बड़ा खरा खरा बोलती हूँ पर दिल की बड़ी साफ हूँ। मेरी बेटी मानसी वो भी बिल्कुल ऐसी मुझ पे गई है, बड़ी टैलेंटेड है, म्यूजिक का बड़ा शौक है उसे, इसलिए तो लड़के शड़के देख रही हूँ उसके लिए, और म्यूजिक भी इसलिए सिखाना चाहती हूँ उसे। पर उसके लिए तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो मुझे।
वो क्या है ना, तुम जल भुन जाओगी ना। मतलब इतनी सी उम्र में तुम्हारा सुहाग उजड़ गया, अब अपने सामने किसी और को सुहागन बने देखोगी तो जल भुन जाओगी ना, काली नजर लगा दोगी। और वैसे भी तुम जैसों की बदुआ तो बहुत जल्दी लग जाती है, पता है ना? बदुआ का तो पता नहीं, लेकिन मेरी आपके लिए एक ही दुआ रहेगी, आपका सुहाग हमेशा सलामत रहे, आपके सुहाग को कभी किसी की नजर ना लगे। नहीं लगेगी नजर, थू थू थू, पड़ी आई। मॉम फिर से नहीं यार। ऋषभ सर, इस तार को और नीचे कर। सर वैसे भी इसे पास करना आसान नहीं होगा, आप इसे मुश्किल क्यों बना रहे हैं? हाँ सर, हम वैसे भी रिक्रूट ढूंढ रहे हैं, आपका रिप्लेसमेंट थोड़ी है। मेरा मतलब है कहने का कि हर कोई आपके जितना स्ट्रांग नहीं होता। डेफिन कितनी बार तुम्हें समझाना होगा कि मेरी बटालियन सेना के सबसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम देती है, इसलिए मेरे दस्ते में रेस्ट करने वाले नहीं बेस्ट देने वाले चाहिए, हारने वाले नहीं हराने वाले, मरने वाले नहीं मारने वाले चाहिए। आज भी हमें ऐसों की तलाश है। उशक। नो सर। गुड, अब इसे पूरा करो और स्टार्टिंग लाइन पर मिलो। भाई अपना शनि ना बिल्कुल सही जगह पर है, जो हमें आर्यन सर के अंडर ट्रेन नहीं किया, वरना मैं तो पहली ट्रेन लेकर ही भाग जाता। ओ मैं आखरी। कम ऑन बॉयज फास्ट। घबराना मत, मैदान जीत के आना। थैंक यू दी, आप भी टाइम से आर्मी कैंप पहुंचो, आपकी शिफ्ट शुरू होने वाली है। मेरी शिफ्ट रोज शुरू होती है, लेकिन तेरी ट्रेनिंग आज शुरू हो रही है, वो इतना तो बनता है। पापा नहीं है? तू दिल छोटा मत कर, तेरे पापा तेरे आर्मी ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचते हैं तुझे पता है ना? मैं जानता हूँ, तभी तो मनाता हूँ। एक बार इस कंधे पे सितारे लग जाए ना, फिर देखना सूबेदार जी मुझे अपना चांद कहेंगे। ओ चंदा मामा, नीचे उतर जाओ और जाओ दौड़ लगाओ, वरना मेजर ड्रैकुला ना खून पी जाएगा तेरा। ड्रैकुला? वैसे पता है अकेले में वो बीन को क्या कहते हूँ? डायन। शिट, चुप कर। जा रहा हूँ। बाय। वहाँ ये आवाज कैसी? अरे तेरे पापा होंगे, आने से पहले उनको मैं बोलकर आई थी कि किराएदार तो आएंगे ही, आप जो चाहे कर लीजिए, तो शायद सफाई वगैरह कर रहे होंगे। क्या बात है माँ, वेल डन। दो सेकंड लेट हो। सॉरी मेजर, कल से ऐसा नहीं होगा। पहले आज से निपट लो, फिर कल का सोचना। ये मेजर ड्रैकुला तो सच में खून पियो निकला, कैसे खो रहा है मेरे भाई को, कहीं इसे पता तो नहीं लग गया कि जय मेरा भाई है। हो भी सकता है, इसलिए ये मेरा बदला इससे निकाल रहा है। मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं इस मेजर पे, कुछ भी कर सकता है ये। हेलो सिस, ये क्या राग भैरवी, राग मलार, हिंदौल, ये सब क्या है? भाई आपको पता है ना, आजकल मैं गाना गाना सीख रही हूँ। किस लिए? आर्यन को फंसाने के लिए? बट वो तेरे हाथ तो नहीं आने वाला। हाँ तो हाथ किसे लगाना है? मुझे तो सीधा गले पड़ जाना है और पिया चप्पिया लेनी है। आपको तो पता है ना मुझे शादी करने का कितना शौक। शादी करने का शौक नहीं है, बस दुल्हन बनने का शौक है तुझे, ताकि तू लहंगे और गहने फ्लॉन्ट कर सके। हाय, आपको कैसे पता? पेपर में छपा था। भाई यार मानसी, तू जैसी है ना वैसी बहुत अच्छी है, और तुझे किसी की पसंद को बनने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे, मेजर आर्यन ने तुझे पसंद भी नहीं किया है अभी। हाँ तो क्या हुआ, मैंने तो पसंद कर लिया ना। ठीक ना, वो भी मुझे पसंद कर लेगा, बस एक बार मुझे कोई सुरीला टीचर मिल जाए जिससे जो टॉर्चर कर सके। जी नहीं, वो मेरा काम नहीं है, वो मॉम का है। आज भी एक अच्छी भली लड़की आई थी, वो ज्योति है ना,
उसके सिस्टर इन लॉ। संध्या? पता नहीं मॉम को उससे क्या प्रॉब्लम है, उसे भी भगा दिया। मॉम को छोड़, तुझे संध्या सीखना है ना, तुझे लगता है ना वो द्वारा गार्ड में सबसे सुरीली है। हाँ बट मेरे बाद। तो बस अब तू उसी से सीखेगी। कोई आइडिया है? बंपर आइडिया मेरे पास। जय तैयार है? हमेशा से। गुड, तो इस बार ताली जरा जोर से बजाना क्योंकि यहाँ फर्स्ट मैं ही आने वाला हूँ। हाँ मगर पीछे से। अरे गणेशन, कैडेट्स, मैं मेजर आर्यन सिंह, स्पेशल सैनिक दस्ते का इंचार्ज। तुम सबने रिटन एग्जाम तो पास कर लिया लेकिन तुम्हारा असली इम्तिहान आज है। मेरी टीम हिंदुस्तानी फौज के सबसे मुश्किल और जानलेवा कामों को अंजाम देती है। हम दुश्मनों को घात ला के नहीं बल्कि उनके घर में घुस के मारते हैं। हमारा हर मिशन दुश्मन को मात देना नहीं बल्कि मौत देना होता है। इन शॉर्ट, हम या तो तिरंगा फहरा के आते हैं या तो उसमें लिपट के आते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसे तलाशने वाले अभी के अभी एक कदम पीछे हट जाए। गुड, इसका मतलब यहां सब अपने देश के लिए लड़ने और मरने आए हैं। तो साबित करो कि सबसे बेहतर लड़ाके हो, साबित करो कि सच्चे हिंदुस्तानी हो। जय हिंद, जय हिंद। वहां देखो क्या दिखता है? रोप्स। कितनी? 5 सर। 5 मेजर। 5 रोप्स और 6 कैरेट्स। इसका मतलब ये दौड़ एक दूसरे को हराने की है। ट्रैक फॉलो करो, रोप्स में चढ़ो। जो पीछे छूट गया उसका सपना टूट गया। ये राउंड तुम्हारी तेजी, तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी तंदुरुस्ती टेस्ट करेगा। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है, जज्बा और जुनून सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए उस रोप पर चढ़ना आसान नहीं होगा। कीचड़ से भरे गड्ढों को पार करके कांटेदार तारों के नीचे से रेंगते हुए तुम्हें उस रोप पर चढ़ना होगा और वहां जाके उस झंडे को निकालना है, और वो भी सबसे कम वक्त में। पोशक? नो सर। गुड, टेक योर पोजीशंस। ऑल द बेस्ट भाई। रास्ते मिले या ना मिले, मुश्किलें हर रास्ते में मिलेंगी। इसे लड़ो, जीतो उनसे। कंट्रोल, तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना है, दुश्मनों को चौकन्ना नहीं करना। गया यार, ये तो कमाल कर गया। आज कपिल भैया तुमसे बहुत खुश होंगे। जय, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अगला राउंड तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल होगा। तैयार हो जाओ, 5 मिनट में दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। राउंड 2 की जरूरत ही नहीं है,
मुझे तो पहले ही चक्कर में घर पसंद आ गया। बहुत जगह है, सब बढ़िया है यहाँ। सब बढ़िया, एकदम बढ़िया, बस कुछ छुटपुट दिक्कतें हैं। दिक्कतें? कैसी दिक्कतें? बस मामूली सी दिक्कत है। क्या है ना, इस कमरे में थोड़ी सूरज की रोशनी कम आती है तो फंगस लग जाती। क्या? नहीं नहीं, मतलब खाने में नहीं लगती है, कपड़ों में, फर्नीचर में, और हाँ कभी कभी टूथब्रश पे जम जाती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बाहर आंगन में बहुत अच्छी धूप आती है, तो हफ्ते हफ्ते उन चीजों को सूरज दिखा देना। हर हफ्ते? अरे तो क्या हो जाएगा भाई, थोड़ी कसरती हो जाएगी इस बहाने। वैसे एक बात बता दें कि इस घर की जो लीकेज है ना, जहां भी होती है, वो वैसे हर घंटे कसरत करवाएगी तुमको। हाँ? इस घर में लीकेज भी होती है? सारे घर में नहीं है, बस ये थोड़ी सी, हाँ ये देखो, ये यहाँ पर है थोड़ी सी। असल में जब टोटी में पानी कम आता है ना, तो ये वाला पानी कम आता है। मतलब पानी की भी दिक्कत है? बाकी घर में सब ठीक है और कोई खराबी नहीं है। हाँ लेकिन एक बात बता दूं मैं कि ये जो दरवाजा है ना, इसके पास जरा सोच समझ के खड़े होना। इसमें क्या दिक्कत है? सिवाय इसके। कैडेट्स, दूसरे राउंड में तुम सबकी पीठ पर 20 किलो का भार होगा, जिसे लेकर वहां तुम्हें उस लकड़ी के प्लैंक से बने स्लोप पर चढ़ना होगा। उसे पार कर फिर तुम्हें उस नेट को पार करना है। जो कैड्स ये कर पाएंगे वही आगे जाएंगे। Am I clear? Yes, sir! हद है, इतनी टफ ट्रेनिंग, तो सच में ड्रैकुला निकला, बच्चों का ना खून पी के ही दम लेगा। कोई नहीं जय, तेरे रगों में भी ना कश्यप फैमिली का खून दौड़ रहा है, दिखा दें सबको कि तू भी किसी से कम नहीं है। कम है, भार और बढ़ाओ। 20 किलो से कम किसी के बैकपैक में नहीं होना चाहिए। कदम पर पहली मुसीबत। ओ भाई दुबे, बार के साथ साथ उस बैग में रुई भी है। क्या रुई? ये तो पानी सोख के वजन और बढ़ा देगी। लगता है ये मेजर ड्रैकुला ठान के आया है कि आज किसी की जान लेके रहेगा।